शासन द्वारा नामित नोडल अधिकारी अरविंद कुमार ने गोरखपुर पहुंचकर कलेक्ट्रेट परिसर स्थित इंटीग्रेटेड कोविड 19 कंट्रोल रूम का निरीक्षण कर मौजूद अधिकारियों से विभिन्न विषयों पर चर्चा की। चर्चा के दौरान नोडल अधिकारी अरविंद कुमार ने सभी संबंधित अधिकारियों से कहा कि वैश्विक महामारी कोरोना वायरस पर प्रभावी नियंत्रण के साथ ही अधिक से अधिक लोगों को वैक्सीन लगाया जाए, यह उनकी पहली प्राथमिकता होगी। साथ ही 15 से 18 साल के बीच के बच्चों को भी स्कूल, कॉलेजों व कैंप लगाकर वैक्सीनेशन की खुराक दी जाए। इस दौरान जिलाधिकारी विजय किरण आनंद, CDO इंद्रजीत सिंह, CMO डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे, ADM वित्त राजेश कुमार सिंह सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। आपकी गाड़ी किधर है? इस संबंध में मीडियाकर्मियों से बात करते हुए नोडल अधिकारी अरविंद कुमार ने बताया, हम सभी नोडल अधिकारियों को जो है सभी जनपदों के हैं, उनको जनपदों में यही जायजा लेने के लिए भेजा गया है कि कोविड के लिए पूरी तैयारियां हम लोगों की हैं या नहीं है, पहली बात। और दूसरी बात यह है कि वैक्सीनेशन उसको हमें 100% सुनिश्चित कराना है। 31 जनवरी तक का टारगेट ये है कि सबको फर्स्ट डोज लग जाए जितने भी लोग हैं, और 15 से 18 साल के जो बच्चे हैं उनका भी हम वैक्सीनेशन फर्स्ट डोज जो है वो हम इंश्योर करा लें 31 जनवरी तक। तो ये हमारा टारगेट है, इसमें हम सभी का सहयोग ले रहे हैं, निगरानी समितियों का भी ले रहे हैं, जो इंटरमीडिएट कॉलेजेस हैं उनके प्राचार्यों का भी ले रहे हैं, ग्राम मोहल्ला निगरानी समितियों का तो हो ही रहा है। तो सभी सिस्टम को, हेल्थ सिस्टम को मोबिलाइज़ किया है, जितने हमारे हॉस्पिटल्स हैं उनको स्टेट ऑफ रेडीनेस में रखा जा रहा है। गोरखपुर में सौभाग्यशाली इसलिए है क्योंकि एम्स एक अच्छी फैसिलिटी, आज मैंने उसका भी निरीक्षण किया था, तो उसमें भी हमारे लगभग 400 के करीब बेड्स ऑलरेडी क्रियाशील हो गए हैं, अनदर 400 आर गोइंग टू बी ऑपरेशनल इन अ मंथ्स टाइम। तो अच्छी वहाँ पे फैसिलिटीज़ ऑलरेडी डेवलप हो गई हैं, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो जनपद पूरी तरह से तैयार है। सिर्फ आवश्यकता अब इस बात की है कि लोग आइसोलेशन गाइडलाइंस का पालन करें, जिनको पॉजिटिविटी हो जा रही है, खतरा इसमें बहुत ही मिनिमल है, लेकिन हमें वैक्सीनेशन इसमें जो है उसके ऊपर ध्यान देना